काबा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष भरत शर्मा को जदयू का राज्य परिषद सदस्य किया गया मनोनीत। उक्त वाद की जानकारी देते हुए हिलसा प्रखंड के काबा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष भरत शर्मा ने बताया कि वह जदयू का लगभग 30 साल से सदस्य हैं। वैसे में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके ऊपर यह कार्य किया है कि काबा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष भरत शर्मा को जदयू का राज्य परिषद सदस्य मनोनीत कर दिया गया है। इसके साथ साथ धान अधिप्राप्ति को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं काबा पंचायत के पक्ष अध्यक्ष भरत शर्मा, सुनिए। नाम हमारा माननीय विधायक जी, वह राज में दीन है। मेरा नाम का प्रस्ताव वही दिए हैं, उन्हीं के कहला पर मैं बने हैं। और आज नीतीश जी के साथ करीब 50 वर्षों से हम ईमानदारी पूर्वक मैंने काम कर रहा हूँ। हम कभी चुनाव में अपना प्रतिष्ठा बनाता हूँ, मेरा बूथ पर से लेकर पूरे जिला में, अनुमंडल में, सभी को मैं आग्रह करता हूँ कि जनता दल यूनाइटेड को वोट देने, वोट का जब समय आता है तो मैं एक पैर पर मैं खड़ा रहता हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने बनने के लिए हमने किसी भी चीज़ पर नहीं कहा। कभी जब कभी मिलते हैं तो कहें कि हाँ, उम्र के ख्याल से ज़रा कुछ ध्यान दीजिए। हम इतने दिन से कार्यकर्ता के श्रेणी में भी मैं नहीं थे, लेकिन यह हिलसा के माननीय विधायक जी का ही देन है। और माननीय सांसद महोदय से भी कुछ बना है तो हमारे लिए किए हैं, वो भी किए हैं। काबा के पैक्स अध्यक्ष भी हैं, काबा के पैक्स अध्यक्ष भी हम हैं। करीब करीब 1997 से हम पैक्स अध्यक्ष हैं। यह तीसरा बार प्राधिकार के द्वारा इलेक्शन से हुए हैं, और पहले कई बार हुए हैं जो वह चुनाव से हुए हैं, जो कि 3 साल का अवधि था। आज करीब करीब 20 बरस, लगभग 20 साल से ऊपर से हम पैक्स अध्यक्ष काबा पंचायत का पैक्स हैं। और हमारा पूरा समय बीत गया माननीय नीतीश कुमार के साथ। मैं ईमानदारी रूप से जनता दल यूनाइटेड में हूँ, रहूँगा उनके साथ जब तक यह चलेगा, जब तक हम, जब तक इस धरती पर हैं तो नीतीश कुमार जी का साथ हैं। और जनता दल यूनाइटेड के लिए मैं 2400 घंटा मैं अपना खेती बाड़ी करने के बाद भी मैं 25% समय हम पार्टी की ओर देते हैं। और राज्य स्तरीय मामला में जो राज्य परिषद बनाया गया है तो पूरी तरह से मैं ईमानदारी रूप से मैं काम करूंगा। उसमें चुनाव, प्रदेश के चुनाव के बाद उसमें कोई काम नहीं है, लेकिन आपात बैठक जब होगा तो मैं हाजिर रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री का, पार्टी का मैं सेवा करता रहूँगा।